इतना नॉलेज uh, इतना एक्सपीरियंस सबके सामने सर झुक जाता है सर चेयरमैन सर आई वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अक्टूबर टू थाउजेंड 2016। बस जिंदगी बड़ा अजीब रहा अंत्योदय से राजनीति में उद्भुद होकर आ गई और 7 जनवरी 2015 से राजनीतिक जिंदगी शुरू उससे पहले दूर दूर से राजनीति से कोई संबंध नहीं था मेरा बाधाएं बहुत थी लोग तो पहले कहते थे मेरे बचपन के यहाँ के दोस्त लोग कहते थे अरे इतने कागज में जकड़े हुए हो अरे एम पी लोग इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता अब बैठे रहो आयश करो अब मुझे तो लगा कहा मोदी जी की सरकार में कहा कोई बैठे रहे और आयश करे तो एक सजेशन है ये जो नया हमारा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बन रहा है सर सेंट्रल विस्टा वहाँ पे ट्रैवलेटर लगाया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के तो सब नेता मंत्री लोग ऐसे करके भागते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा उनको फायदा होगा हम लोग अनडिवाइडेड बंगाल से आते हैं सर ढाका और बरिशाल का कॉम्बिनेशन है पिताजी ढाका और माँ बरिशाल तो बड़ा गुस्से वाला इंसान हूँ मैं बहुत तो बस यहाँ आके जरा ये सदन की गरिमा से चुप जो हो जाती हूँ डर लगता है कि मेरे कोई भी गलत शब्द से पार्लियामेंट का गरिमा सम्मान हानि ना हो जाए बनना था आर्किटेक्ट बन गई आर्टिस्ट उसके बाद प्रोफेशन से छुट्टी लेना पड़ा क्योंकि छुट्टी नहीं लेंगे तो ये दोनों टाइम ही बहुत यू नो टाइम कंज्यूमिंग एंड कमिटमेंट वाला काम है uh, ज़्यादा कुछ बोल तो नहीं है मुझे बोलना नहीं है बस रूल्स प्रोसीडियर्स बिल्कुल नहीं सीख पाई सर बिल्कुल नहीं सीख पाई मैं बताती हूँ पार्लियामेंट्री स्किल सीखना हुआ नहीं एकदम आया नहीं भूपेंद्र यादव जी अभी ये नहीं है और डेरेक जी ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं ना सर इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे हर दिन लगता है ये कैसे याद रखते हैं सर मैं वादा करती हूँ याद करूंगी बहुत अच्छा। और अगले बच्चों को सब सिखाऊंगी जितना मैं सीख पाई तो अग... अरे नहीं भाई घर पे कार्य करता हूँ अच्छा ये मैंने कई बार सोचा था सर कि मैं बांग्ला में बोलूंगी लेकिन मुझे बार भे भी जी बांग्लाय कमेंट बांग्लाय बोला किन्तु बार बार भाभी सर हमेशा सोचते हैं बांग्ला तो मुझे आती है अभी हिंदी अंग्रेजी सीखना था तो उसी मैं ज़्यादा कम ध्यान दे देती हूँ सर और दो तीन दो मिनट दीजिए सर ऐसा मत करिए बहुत दिन आपसे मिलेंगे नहीं सर ये कॉमर्स कमेटी में जब हम आए तो पहली बार मुझे बोला गया कुछ दोस्त लोगों ने बोला ऐसे सजेशन देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं सर नए नए एमपी हो कुछ पता वता नहीं है समझ में नहीं है कुछ तो बोल रहा कि अरे आप दो साल हो गया कॉमर्स कमेटी फिर से भी दो साल जा रहे हो अरे लेटर हेड में नाम बढ़ना होता है दो दो साल एक एक साल के बाद चेंज करो कमेटी मैंने बोला नहीं भाई मुझे एटलीस्ट कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा सर दो चार छोटे छोटे सजेशन बस और थर्टी सेकेंड सर थर्टी सेकेंड्स मेंटर का प्रोग्राम होना चाहिए और पार्लियामेंट में आर्टिफैक्ट्स की जो दुकानें हैं वहां पे ना सर फाउंटेन पेन इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बात बस और कुछ नहीं बोलूंगी मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैंने जब महाभारत में किरदार निभाई थी मुझे कहा जाता था कि रसगुल्ला खाने वाली बंगाली क्या हिंदी बोलेगी तो ऐसे बहुत सारी चीज मुझे ऐसे सीखने को मिला अच्छा लगा और एक लास्ट ये जो पार्लियामेंट्री किताब है ना सर इसको फेंकने में जो भी फेंकते हैं ऑपोजिशन उनको दुख तो होता होगा सर बहुत दुख होता है पार्लियामेंट्री किताब है रूल बुक है तो सॉफ्ट टॉयज के मटेरियल से अगर हम पार्लियामेंट्री किताब बनाएं तो उनको फेंकने के बाद भी ज्यादा दुख नहीं होगा सर ऐसे बहुत सारे चीज हम नए नए आइडियाज के साथ आ सकते हैं थैंक यू सर